बसु खान यूट्यूब चैनल ड्रामा पेश कर रहे हैं डकैत जमींदार बिजली और बादल उर्फ डाकू कहर से। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं असली रूप में बॉडीगार्ड आज आज के बाद इस इलाके में कोहराम मचा दूंगा, किसी को भी चैन से जीने नहीं दूंगा, पूरा इलाके को दमदान घाट मार दूंगा। हमारा दोस्त तहर सिंह गया है उस इंस्पेक्टर सागर सिंह की पत्नी को उठाने के लिए, उसका इंतजार कर रहे हैं। सारे तुम लोगों का यही हाल होना चाहिए। तुम क्या समझते हो पुलिस से बच जाओगे, चाहे जितना बड़ा डाकू क्यों ना हो, पुलिस के हाथों कभी नहीं बढ़ता, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। उठा हाथ कड़ी पहन। नो डार्लिंग नो। नंबर तीन तक नुमा तेल गिरने से पहले तुम लोगों के हथियार जमीन पर होना चाहिए। तुम्हारी भलाई इसी में है, अपना हथियार डाल दो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अरे तो हम जिंदगी भर के तुम्हारे हो जाएंगे। एक इशारा करो। इशारा तो मैं करूंगी हरामजादे। तीन तक गिनूंगा, नंबर एक और दो। हराम जाने एक औरत का सहारा लेकर अपने आप को मर्द कहता है, अरे औरत का सहारा लेना छोड़ दे। औरत का सहारा तो छोड़ो, डाकू को कभी औरत बनना पड़ता है। समझ गए? डरो डरो तुमका कहे बोले तुम मोगड़े कौन हमारे खानदानी हो। डर डर डरो ना 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 ना। अरे ऐसे हम हथकंडे बहुत खेले हैं, नए नए वर्दी जिस्म पर आई जवानी नहीं है, नया खून है तो बहुत गर्म हवा। तेरे गोरे गोरे गाल मुझे मार न डाल। बॉडीगार्ड बांध से इस टिटोरी को बांधो। लेकिन ये बिल्कुल चंदा लग रहा है सरदार, बिल्कुल चंदा। अखा अब उसके ये है बिल्कुल चंदा, अब इसके साथ करेंगे हम अपना धंधा। मर जाओगे साले। करेंगे धंधा और चाहे बाद में हम हो जाए नंदा, मगर तुम रहे। बोलो वर्दी पर हैंडर मत चला, वर्दी को खिलवाड़ मत बना। कानून का खेल वर्दी को रखेल
हम हमेशा समझते आए हैं, समझते रहेंगे। कानून को खेल और वर्दी को रखेल समझने वाले को ये बिजली मारती नहीं, डायरेक्ट मार देती है। अरे खुद मर जाएंगे। कहते हैं कि पत्थर को मारती हो पहाड़ मार दो, हम खुद मर जाएंगे मुस्कुराकर एक बार आंख मार दो। आंख मारे ये लड़की आंख वाह। अब ये क्या है मस्तू खान, अंधा कानून फिल्म देखे हो? अगर अंधा कानून फिल्म देखे हो तो अंधा कानून फिल्म का आखिरी सीन आने जा रहे हैं। कहने का मतलब जब प्रार हेमा मालिन की वर्दी उतारता है अंधा कानून फिल्म में, और वैसे ही उतारेंगे वर्दी। तुम लोगों को अंधा करके वर्दी उतारो। नहीं ऐसा ना हो कि हमका तुम्हें वर्दी फाड़ना पड़े, क्योंकि वर्दी फाड़े का हमका 14 साल का एक्सपीरियंस है। अगर वर्दी को हाथ लगा तो मैं तुझे फाड़ दूँगी। एक मिनट देखो, हम क्या मतलब क्या तेरा? ये दो है हम दो, ये भी कोई बुद्धि नहीं हुई है। अच्छा अच्छा मत लगा, मतलब क्या है वो नई नई वाली साले तुम ले जाओगे? हाँ अया बेतहारे हमका सौंपे दे रहे हो तो क्या कर? चलो चलो तेरा नंबर है। हाँ। और इस पर मेरा नंबर है। कोई बात नहीं है, हम डाकू हैं। हाँ। हमको अजही खजही उड़िया बुढ़िया इरिन सिरिन फिरिन कोई चाहिए। चलो चलो तुम उसको ले जाओ। हाँ। तुम बुढ़िया को ले जाओ। हाँ। हमको जब कोई नहीं मिलेगा। हाँ। तो तुम दोनों को हम ले जाएंगे। साला मेहरा कहेगा अरे शुभ काम में देर नहीं करना। दादा पिसा हुआ नमक छिड़क कर धुलाई। और आ भाई, भाई तुम हमारे खानदानी हो, चलो कपड़ा उतारो चौधन। पहले झूठ पहले झूल घूम रहे हो भले ना दिया बाबा चौधनी के, जल्दी उतारो चौधनी के चोदे, तेरी माँ का चूस मारो साले मादर चुर्र। बहुत बड़ा अय्याश रहो, अब है अय्याशी सब तुम्हारे पिछवाड़े पेल जाई, अब है तुम्हारे कपड़ा उतरवाए है अन हवाई बात हुई बात उलो चले गए अन हवाई तुम्हारे कमरे के अंदर ले चली बा, धोती बिलो पहरा लाली टुकली लगवा सुहागरात में नहीं बा सुहागरात, या बाटी उतारो पैंट खोलो, पैंट खोलो काहे 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 रे नहीं, या बाटी उतारो पैंट खोलो काहे 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 नीचे अंडरवियर नहीं पहरे तो बन गवा तो बन गवा, तुम नीचे अंडरवियर नहीं पहरे हम नेकर नहीं पहरे हम, तुम पैंट खोलो हम पैजामा खोली काम तो हो जाए। तुम्हारी देख कर सूरत चले ये तन हमारा है, तुम्हारी देख कर सूरत चले ये तन हमारा है, चेहरा दोबारा
माफ कर दूं। और हड्डियां काट दूं तेरी जरा ना रहम लाना है। से खेला तुम लोगों का ना मर्द बनाकर छोड़ पागल। हमने फिर साहब से ऑर्डर लिया था इन लोगों को इनकाउंटर में इनकाउंटर करने का, और आज हम लोगों ने इन्हें इनकाउंटर में मार दिया। सर अब तो अच्छा हुआ है ये साले दो लोग मर गए। हाँ मगर एक बात सर आपसे कहना चाहता हूँ। कैलाश वर्मा तुम हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के एक ईमानदार होनहार पुलिस वाले हो, तुम्हारी सलाह हमेशा मैं मानती हूँ। बोलो क्या कहना है। कहना ये चाहता हूँ बादल और तुम्हारी बहन चंदा दे बहुत दोस्ती थी यानी प्यार करते थे बादल और चंदा। अब चंदा तो है नहीं तो हमारे कहने का मतलब यह है ना तुम्हारा बाप है ना तुम्हारी बहन है ना तुम्हारे माँ है तुम अकेली हो। तो ऐसा करो बादल के साथ आप शादी कर लो। कैलाश वर्मा जी प्यार मोहब्बत सूरत देख कर नहीं किया जाता, प्यार तो दिल से होता है। और प्यार बादल को चंदा से था, चंदा को बादल से था। माना कि मेरी सूरत चंदा से मिलती है लेकिन मैं वो दिल कहाँ से लाऊंगी, क्योंकि मैं भी एक औरत जात हूँ। बिना मर्द के जीवन बिताना कैसे गुजरेगा हमारा जीवन। लेकिन अगर बादल को मंजूर होगा तभी ऐसा। अरे बादल को क्यों नहीं मंजूर होगा, क्यों बादल? हम तुम्हारी बात से तो इनकार नहीं कर सकते। शाबाश देखा आपका क्या कहना। माँ तो हाथ ही दे डायरेक्ट कर दो। भाभी तो हमारी बहुत जल्दी में रहती है। जो चंदा ने तुमसे प्यार किया, चंदा ने तुमको जो प्यार दिया, मैं कोशिश करूंगी वही प्यार तुमको मैं दे सकूं, तुमको हर तरह से हमेशा खुश रख सकूं। हो आजा दिल ले तुझको पुकारा प्रभु ने बनाया तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए प्रभु ने